सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्क वाले जो सूट होते हैं, काफ़ी वर्क होता है फ्रंट नेक में, वो नेक कैसे बनाएं। क्या है कि ज़्यादातर शिकायत आती है कि बन नहीं पाता, सुइयाँ टूट जाती हैं, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो मैंने कोशिश की है, आसान दो ट्रिक्स बताई हैं सीधी सीधी अलग अलग तरीके से, एक तो सिंगल बूट से और एक डबल बूट से, किस तरह से आप बना सकते हैं आपकी सुई भी न टूटे और आपका जो नेक है फिनिशिंग से बन जाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसे जरूर से दबाएगा तो हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो देखते हैं। बनाने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास पहले तो यह कैलकुलेशन करें कि आपकी गले की जो चौड़ाई है वो कितने इंच की है। अगर आपके गले की चौड़ाई 6-6.5 इंच तक है तो उसके जस्ट में से आपको पास में से सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ फिर इससे अगर थोड़ी बड़ी जो चौड़ाई है इसकी, इस तरह से अगर ये चौड़ाई बड़ी है तो आपको यहाँ तो ऑप्शन है ऐसा लगाना पड़ेगा कि इसमें पहले तो इसमें से एक ऐसी चुनट डालें कि ये 6 इंच के आसपास बैठ जाए, अपना 6.5 इंच पे इसकी चौड़ाई रह जाए। तो एक चुनट डाल लें ऐसे लंबी करके यहाँ तक, फिर उसको सेट कर लें। यहाँ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ही इसमें अगर प्लेन एक बूट की सिलाई लगा दे तो सेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात कि गले की चौड़ाई को कम कैसे करें। आजकल का जो वर्क है ऐसे ही आता है कि कभी 8 इंची पे चौड़ा आता है, कभी बांका आता है, कभी टेढ़ा आता है, इस तरह से आता है तो उनमें काफ़ी समस्या होती है। कईयों का वर्क है जो फिनिशिंग से आता है, फिलहाल मेरा इसका वर्क बहुत बेहतरीन है, फिनिशिंग से है। इसमें मोती वर्क, चीड़ और ये स्टोन वर्क का थोड़ा बारीक बारीक काम है। तो फिलहाल इसमें जो नेक बनाएँ किस हिसाब से बनाएं, आप अपनी घरेलू मशीन से भी बना सकते हैं या फिर जूकी मशीन या अम्ब्रेला मशीन से बना सकते हैं। तो वो तरीका कौन सा है कि आपका जो वर्क है टूटे भी नहीं और फिनिशिंग से सिलाई आए, तो इसी पे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर इसके जस्ट पास में से सिलाई लगा कर गला बताना इसमें जो सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो या तो इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो आपकी मशीन चल रही है, आपके पास घुटना काम करता है बूट, अगर ये जैसे उठा के आप पैर का जो घुटना होता है यहाँ नीचे की साइड में होता है घुटना जिससे आप इस बूट को उठा लेते हैं, या झुकी मशीन या अम्ब्रेला में आता है, हाथ वाले में तो आपको जो पीछे से है इसको ऐसे उठाकर थोड़ा रखना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन है। या फिर आता है एक सिंगल बूट मशीन का, ये डबल बूट है, इसमें एक सिंगल बूट और आता है एक ही पैर का बूट, वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल कोशिश करें कि आपके पास अगर ज़्यादातर घर में सिंगल बूट लगा नहीं पाते, सेट नहीं कर पाते, तो उसका भी कारण होता है आप सिंगल बूट हो तो लगाने के बाद यहाँ से एक पेच होता है उसको खोल के इधर उधर खिसका कर आप इसके जस्ट पास में से सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले कोशिश करेंगे डबल बूट से लगाने की, अगर डबल बूट से नहीं लगे आपसे तो सिंगल बूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका इसका मैं बता दूँ कि आपको जैसा भी है, ये मेरा कपड़ा लिया है मैंने, इसी में इस गले को पलटने वाले हैं। तो पहले मशीन से देख लेते हैं, दो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले तो डबल बूट से ही लगाने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए कपड़ा ले लें या इसके आप पेपर फ्यूजिंग पे भी इसको चिपका के रख लें अगर ज़्यादा ही थोड़ा कड़कनेस नेक चाहिए तो। फिलहाल मैं बिना इसके ही बनाने वाला हूँ इसको। तो ये देखिए इसको इस तरह से सेट करते हैं और इसको जस्ट पास में से सिलाई लगाएंगे। भाई ये सुलटा लिया, इसके ऊपर कपड़े को इस तरह रखेंगे पहले। तो अब इसमें ये देखिए, मैं अभी इसको ये मशीन आपको चलती हुई दिख रही है मगर मैं इस बूट को थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके चल रहा हूँ, क्या कि मेरा मोती वर्क है ये भी न टूटे और मेरी सुई पास में आ जाएगी, इनके ऊपर चढ़ जाएगी तो सुई भी टूट जाएगी, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है मेरे को। तो मैं इस बूट को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखूँगा, आप यहाँ से उठा के रखें, जो बूट का जो पीछे वाला आता है इसका बूट उठाने का उसको उठा के रखें। तो और इससे धीरे धीरे आप ऐसे चलाएँ इस तरह से, तो इसके जस्ट पास में से आपकी सिलाई आ जाएगी। और आपकी जो सिलाई है इसमें क्या है कि हमारे दोनों हाथ काम करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन होती है उसमें दोनों हाथ काम करते हैं तो आसानी होती है, पैर वाली भी होगी तो भी आपके सही रहेगी, एक हाथ वाली में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको सिंगल बूट या फिर एक टेक्निक होती है, आपको प्रोफेशनली खुद सिलाई करते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अपने को इसमें इसके पास में से धीरे धीरे आराम से चलानी है आपको मशीन को और इसके पास में से आपको लेके चलना है। तो इस तरह से ये देखिए
तो मोती वर्क या फिर स्टोन वर्क कोई से भी ऐसे नेक वर्क वाले आते हैं तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए, और एम्ब्रॉयडरी वगैरह में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है हैवी वर्क या बीड्स वगैरह लगे हुए जो भी आते हैं उनमें। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने जो है इसमें जस्ट पास पास में इसके करके सिलाई लगा ली है। तो मेरी जो टेक्निक है इस तरह से, मैंने इस बूट को इतना ही रखा है कि मशीन कपड़े को पीछे भी खिसका सके और मेरा कपड़ा आराम से खिसक सके। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसका दूसरा ऑप्शन, मैं एक दफ़ा इसका गला सेट कर लें फिर मैं इसको दिखाता हूँ किस तरह से लगाते हैं। तो इसमें एक बूट का दबाव अपने को काटना है इस तरह से। एक दफ़ा यहीं पर आपको मैं सिंगल बूट का यूज़ करके भी दिखा देता हूं कि आपके अगर समझ में ना आए तो एक बार। तो ये देखिए, ये मेरा सिंगल बूट है। एक साइड में इसमें भी लेफ्ट राइट के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो ये मेरा सिंगल बूट यहां से चलेगा तो सिलाई इसके पास में आ जाएगी। तो ये सिंगल बूट यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये साइड, इस साइड भी आता है और इस साइड भी आता है, तो इस साइड का यूज़ में ले आप इस तरह से। तो इसको लगा कर देख लेते हैं कि किस आसान तरीके से, इससे बढ़िया आसान तरीका है सिंगल बूट का। अगर आपके पास है तो इसका यूज़ करें आराम से। लगाने का तरीका इसको ईजीली है, आराम से। मशीन आपकी सेट है तो उसमें आप इसको ऐसे कस दें। ठीक है, ये मैंने लगा दिया इसको। अब इसको कैसे लगाते हैं देखिए। इससे क्या है कि जो पहली सिलाई लगा रखी है अपन ने, वहीं पर इसको लगा कर देखते हैं। इसमें कोई उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को और मशीन एकदम रिलैक्स में चलेगी। ये देखिए, इसमें मैंने को इस बूट को उठाने की ज़रूरत नहीं है और सिलाई इसके जस्ट पास में से आएगी। बस ध्यान ये रहे कि थोड़ा सा फिनिशिंग से इस ध्यान रखें, वर्क पर न चढ़े। और इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सिंगल बूट का यूज हो जाएगा। ये सिलाई ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे ही करके आप सिंगल बूट यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंगल बूट में पाइपिंग लगाते हैं उसमें भी आप काम में ले सकते हैं। और ऐसे वर्क में आप से, ये देखिए वर्क मेरा बिल्कुल पास में से आ रही है सिलाई। अब इसको बना के भी दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने फिर से सिंगल बूट की जगह डबल बूट यूज़ में ले लिया है। अब इसमें जो सिलाई लगाने के बाद इसमें अपने को करना क्या है, ऐसे करके सिलाई तक कुटके लगाने हैं इसकी गोलाई में। अगर गोल गला है, वी शेप में है, कोई सा भी ऐसा है जहाँ पर आपका शेप सही नहीं बैठेगा, अगर ये कुटके नहीं लगाएंगे तो इस तरह से मैंने ये कुटके लगा लिए हैं। ठीक है, अब इस पर वही काम फिर से करना है। इसके अंदर की साइड में अपने को मार्जिन रखना है और जो नेक का मार्जिन है इस साइड भी रखना है। और इस पर जो है, अब यहाँ पर भी देखिए वही प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको उठाकर नहीं चलाता हूँ तो ये सिलाई अटक जाती है। तो इसको थोड़ा सा मेरे को बूट को उठा के चलाना पड़ता है इसमें। अगर सिंगल बूट होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर क्या है कि डबल बूट में ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं डबल का ही यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि बार बार सिंगल बूट चेंज करना तो वो एक सुविधा के लिए है। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप इस आसान तरीके से किसी भी वर्क में गले में आप नेक बना सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से जो है कटिंग कर लें। तो इस तरह से अपना नेक है। अब इसमें करना क्या है अपने को, इसको नेक को इस तरह से लेना है और अपने को जितना कपड़ा नेक में चाहिए तुरपन के लिए, हैंगिंग के लिए, उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, और बाकी का जो कपड़ा है उसको काट देना है। तो 1.25 इंच के आसपास अपने को कपड़ा जो चाहिए वो रख लेना है और बाकी वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से, इस चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे वाला मेन पीस है वो नहीं कटना चाहिए आपका। और या फिर पहले आप इस चीज़ को काट के रखें तो वो थोड़ा सा क्या कि आसान नहीं है वैसे, बाकी मैं बाद में काट लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने काट लिया है। अब इसमें इसको अपने को बराबर में मोड़ लेना है, जितना को अपने को चाहिए 1 इंच तुरपन के लिए उतना ही इसको रख लें इस तरह से। ये देखिए, मैं दिखा दूँ एक बार, इसको बराबर बराबर करें तुरपन में। जितना आप बराबर रखेंगे उतना ही फिनिशिंग से बाहर की तरफ तुरपन जो है आएगी। हैंगिंग का जो काम जो होता है वो फिनिशिंग का होता है। तो ये कपड़ा भी बिल्कुल बराबर से ही रखें इस तरह से। ये ले, तो ठीक है, इस तरह से तुरपन वाला काम अपना हो जाएगा। और ये अपना जो नेक है फिनिशिंग से वर्क में, ये देखिए,
अपना जो नेक है एकदम फिनिशिंग से बन के तैयार है, इसमें कहीं पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जो वर्क है बिल्कुल सेफली है, और यहाँ पर मैंने पहले ही ऑलरेडी मार्जिन छोड़ा है। अगर आपका मार्जिन नहीं हो यहाँ पर कंधी, अगर लास्ट तक भी आपका वर्क आता है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ तक जो वर्क है उस पर मशीन ऊपर उठा के चलाएँ, या अगर मोटे वर्क हैं तो उन चीज़ों का आप उतार लें, हाथ से उतार लें फिर मशीन चलाएँ, या फिर आप मशीन की जो ऐसे करके उस वर्क को जहाँ पर आपकी सिलाई लगानी है उसको ऐसे करके उसको तोड़ लें। तोड़ लें तो क्या है कि जो धागा है वो खींचेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अगर एक भी धागा आपका निकल जाता है ना तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा वर्क उधड़ने की समस्या रहती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगा कि वर्क वाला जो गला है इसका आपको एक छोटी सी टिप्स देनी चाहिए, मेरे दिमाग में आई तो मैंने यह वीडियो आपके साथ शेयर किया। अगर यहाँ तक आपने देखा है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोकना ज़रूर से न भूलिएगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।